हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको दिखा रहे हैं ओल्ड लेथ मशीन पर हाइड्रोलिक कॉपी टर्निंग अटैचमेंट कैसे काम करता है। ये हमारा एक फिट किया हुआ अटैचमेंट है, डबल कट का अटैचमेंट है। ये इसका कंट्रोल पैनल है। चलाओ। नहीं, अभी चलाना नहीं है सर, एक मिनट थोड़ा सा बता दें पहले। ये हमने मशीन पर हाइड्रोलिक चक फिट किया है, हाइड्रोलिक चक फिट किया है। इसका रोटरी सिलेंडर पीछे है, ये इसका रोटरी सिलेंडर है। और जो चक को क्लैंप करता है, क्लैंप और डिक्लैंप के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर इसको मेंटेन करता है और क्लैंप डिक्लैंप करता है। ये 8 इंच का सीको का हाइड्रोलिक चक लगा हुआ है। और ये कॉपिंग अटैचमेंट है डबल कट का, एक रफ कट होता है और एक फाइन कट होता है। इसके लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है जो लेथ की स्लाइड को मूव करेगा। इसको सेंटर में फिट किया हुआ है। ये हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक है। तो अब हम मशीन चला के आपको दिखाते हैं। अब जॉब को डीक्लैम्प करना सर एक बार। ये देखो, जॉब डीक्लैम्प हुआ और ये क्लैंप करिए, दोबारा से क्लैंप किया। और अब हम मशीन को ऑन करते हैं। ऑटो साइकिल ऑन किया और पहला कट सिंगल कट जाएगा, फिर फाइन कट जाएगा। एक पीस और बनाना है सर। हाँ जी, अभी आप देखेंगे जॉब क्लैंप है इधर। ये स्टाइलस मास्टरपीस के ऊपर स्टाइलस पिन काम करती है, ये मास्टरपीस है। और उधर हमारा टूल काम करता है। यहाँ लिमिट स्विच है, कितने लंबा जॉब बनाना है, लेंथ क्या है हमारे जॉब की, उसको हम लिमिट स्विच से सेट कर लेते हैं। और एक बार हम साइज सेट करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली अपना साइज मेंटेन करके रखती है। जो साइज हमने बनाना है, फाइन साइज हम टूल पोस्ट से बनाते हैं। यहाँ से इसका कट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये नॉब जो है, ये आज नोब आप जो देख रहे हैं, यहाँ से हम डबल कट सेट करते हैं। तो बस चलिए, बाय बाय।